दोस्तों जब किसी के वीडियोज पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तब दोस्तों उसके दिमाग में काफी सारे डाउट्स चलने लगते हैं कि क्या कॉपीराइट क्लेम होने से चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, क्या कॉपीराइट क्लेम होने से वीडियोज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब दोस्तों आपके काफी सारे डाउट्स चलने लगते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, सब कुछ आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या क्या 2022 में कोई नया रूल आया है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले। तो इस वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मनी राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीके के टेक चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कॉपीराइट क्लेम आता क्यों, क्योंकि दोस्तों काफी लोगों के दिमाग में एक ही डाउट चलता रहता है कि यार कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है। देखो अगर आप लोग किसी का बड़ी कंपनी का म्यूजिक यूज कर लेते हो या फिर किसी भी चीज को यूज कर लेते हो या फिर भाई नो कॉपीराइट म्यूजिक भी यूज कर लेते हो बट उनको क्रेडिट नहीं दे देते हो तो उनको वो यहां पर आपको क्लेम मार देते हैं, मतलब भाई कॉपीराइट क्लेम मार देते हैं ना भाई, स्ट्राइक नहीं मार सकते, क्लेम बस मार सकते हैं, जिससे दोस्तों आपकी जो भी रेवेन्यू होगी वो उनके मतलब की उसमें चली जाएगी, आपको यहां पर नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा मतलब उनके पास चला जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दो कि जो यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आने के मतलब कि क्या नुकसान होते हैं, तो देखो आपको बता दो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। काफी लोग कहते हैं कि जो रीच डाउन जाते हैं वीडियो की, बट मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है, और अगर आप लोगों ने किया हुआ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि कॉपीराइट क्लेम होने से वीडियो की रीच डाउन होती है या नहीं। मैंने तो अभी तक नहीं देखा हुआ, काफी लोग भाई बोलते हैं कि कॉपीराइट क्लेम आने से जो वीडियो की रीच होती है वो डाउन हो जाती है, मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। अगर आप लोगों की हुई तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों जो मेन चीज आती है कॉपीराइट क्लेम से क्या नुकसान होता है, देखो आपको बता दो कॉपीराइट क्लेम से नुकसान एक ही होता है कि आपको जो भी रेवेन्यू होती है अगर आपको चैनल मोनेटाइज होगा तो आपकी जो भी रेवेन्यू होगी वो भाई उनके पास जाएंगे जिनका आप लोगों ने म्यूजिक यूज किया होगा, ठीक है, जिन्होंने आपको कॉपीराइट क्लेम मारा होगा उसी के पास पूरा का पूरा आपकी रेवेन्यू जाएगी, आपको यहां पर रेवेन्यू नहीं मिलेगी और भाई यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एंड अगर बात करूं कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं कॉपीराइट क्लेम से, देखो आपको बता दो कि आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बट कुछ ऐसे भी चैनल होते हैं जो भाई म्यूजिक लगा करके ओनली यहाँ पर मतलब गेम वगैरह खेलते रहते हैं, उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, चाहे कॉपीराइट क्लेम हो चाहे ना हो उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको बता दूं कॉपीराइट क्लेम हो हर चीज हो बट दोस्तों अपने फेस हो या फिर वॉइस हो ये होना चाहिए तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अगर आप लोगों कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब भाई कोई भी यहाँ पर आप लोगों ने फेस ही दिखाया होगा ना ही भाई अपने यहाँ पर वॉइस यूज की होगी तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी वीडियो पर भाई फेस या फिर आप अपनी वॉइस देना ही देना पड़ेगा, नहीं आप लोगों का भी मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकता है। एंड दोस्तों काफी लोग जो क्या करते हैं कि म्यूजिक भर लगा देते हैं और गेम प्ले करके अपने वीडियोज पर अपलोड कर देते हैं, मतलब अपनी वीडियो को अपलोड कर देते हैं, तो देखो आपको बता दूं उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला, मैंने प्रूफ भी कर दिया है, आप लोग आई बटन से जाकर देख लीजिएगा, उनका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट ही हो जा रहा है। काफी लोगों को जो ऑन हो जाता है बट काफी लोगों को जो रिजेक्ट हो जाता है, और अगर ऑन भी आप लोगों को हो जाता है तो भाई कभी भी आपका रिजेक्ट मतलब कि डिमोनेटाइज भी हो सकता है, मतलब कि भाई आप रिस्क पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भाई वॉइस दीजिए अपने वीडियोज पर या फिर आप लोग अपने वीडियोज पर फेस दिखाइए, ठीक है। अगर आप लोगों का दोनों चीजें में कुछ यूज भी होगा, अगर आप लोगों का यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम भी होगा, फेस दिखा रहे हैं आपके वीडियोज पर कॉपीराइट क्लेम भी होगा तो आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आपकी वॉइस है आपकी कॉपीराइट क्लेम होगा तो आपका 100% मोनेटाइज हो जाएगा। एंड अगर कोई मतलब कोई ना वॉइस है आपकी ना ही यहाँ पर वो फेस है अगर कॉपीराइट क्लेम है तो भाई चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, अगर कॉपीराइट क्लेम भी नहीं है तो आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा, ठीक है। चाहे कॉपीराइट क्लेम हो चाहे ना हो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा अगर आपकी वॉइस नहीं होगी अगर आपका फेस नहीं होगा, ठीक है। तो अपने वीडियोज पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा जब भी आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। और दोस्तों काफी लोगों के साथ क्या होता है कि कभी कभी मतलब कि जब शुरुआत में वीडियो को अपलोड कर देते हैं तब कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है, जब वीडियो काफी दिन बाद हो जाती है 5-10 दिन 15 दिन महीने महीने हो जाते हैं फिर बाद में उनको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। देखो अगर आप लोग किसी भी म्यूजिक मतलब कि अगर कंपनी है कोई म्यूजिक आपको प्रोवाइड करा रही है तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, अगर आप लोग YouTube से डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, चाहे वो नो कॉपीराइट म्यूजिक हो चाहे जो भी हो आप उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर आप लोग उनको क्रेडिट नहीं देते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो कॉपीराइट क्लेम मार सकते हैं और आपके जितनी भी रेवेन्यू होगी वो पूरा का पूरा मतलब जनरेट कर सकते हैं, उन्हीं के पास पूरी की पूरी रेवेन्यू जाएगी आपकी जो भी उस वीडियो से अर्निंग होगी, ठीक है। तो आप लोग बता दो कि उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। एंड अगर आप लोगों को क्रेडिट नहीं देना तो आप लोग यूट्यूब लाइब्रेरी की जो म्यूजिक होते हैं उनको यूज करो, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना ही यहाँ पर आपको कॉपीराइट क्लेम आएगी, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। YouTube पर थोड़ा रिस्क होता है, चाहे आप लोग NCS म्यूजिक को लगा करके अपने वीडियो पर डालो चाहे जो कुछ डालो भाई कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मुझे भी यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम मिला हुआ था 1 महीने के बाद। तो आप लोग YouTube लाइब्रेरी की म्यूजिक यूज करिए और यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। सो आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, सो आई होप आपको जो डाउट को मैंने क्लियर कर दिया होगा, सो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको पता है मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ लर्न के साथ, तब तक के लिए।
टाटा, बाय बाय, जय हिंद।